नमस्कार, मैं हूं हेमा कनौजी और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। अब खबरें विस्तार से। खबर आ रही है बल्लभगढ़ से, जहां रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को आश्वासन के बाद भी पूरा नहीं किया है। और इसी के विरोध में यूनियन के 11 नेताओं ने मंगलवार तक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला लिया और जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार से मांग है कि 8,200 भर्ती चालकों को उनकी भर्ती की तिथि से ही पक्का माना जाए और वर्कशॉप में कर्मचारियों की भर्ती जल्द की जाए। ऐसी तमाम मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सरकार ने कई बार वादा करने के बाद में हमारे कर्मचारियों को एक ओपी अलर्ट दिया है, जिससे कि हमारे कर्मचारी बड़े दुखी हैं। 2012 से 2003 के कर्मचारी अभी तक पक्के नहीं माने गए और बार बार सरकार हमें ये कहती रही, एक अब की बार हम आपका मौका दे रहे हैं, अब की बार छुट्टी पहुंच जाएगी, 10 दिन में पहुंच जाएगी, 15 दिन पहुंच जाएगी। हमने लास्ट माह के सरकार को वादा खिलाफ भी करते हुए हमारी सरकार ने उसको सरकार को हमने ये चेताया कि आज भूख हड़ताल करके हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अब भी समझ जाए, अगर नहीं समझी तो 14 तारीख को हम पंचकूला में DGHCC का घेराव करेंगे और वहाँ से आगे की कार्रवाई आगे कमेटी बताएंगे। कितने कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हम 11 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, बाकी कर्मचारी सभी कार्य करेंगे, कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। 11 पदाधिकारी हम भूख हड़ताल पर।